हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों का भाई सुदर्शन। तो आप लोग सभी को स्वागत है फिर से मेरे चैनल पे। ओके दादा, तो मैं आज कोई बड़ा सिस्टम लेके नहीं आया है, तो एक छोटा सा होम थिएटर सिस्टम लेके आया हूँ, क्योंकि बहुत सारे कॉल आ रहा था मुझे, SMS आ रहा था, दादा मुझे 5.1 वाला डॉल्बी डिजिटल होम थिएटर चाहिए। तो ये पहली बार मेरे चैनल पे आ रहा है होम थिएटर सिस्टम, ठीक है। और जो 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 सब्सक्राइबर भाई मुझे कॉल कर रहे थे, दादा होम थिएटर चाहिए, तो उसके लिए वीडियो है, तो अच्छी तरह से देख लेना। और दादा लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना। तो आप लोग जितने मेरे साथ जुड़े रहेंगे, मैं उतना कोशिश करूँगा दादा ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा 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 बेहतरीन कंडीशन वाला सिस्टम आप लोगों के बीच लेके आ सकूँ। तो ठीक है दादा, दिखा देता हूँ इसका क्या क्या कंडीशन रहनी है और क्या कौन कौन सी कंडीशन में इसका मॉडल नंबर क्या है, सब कुछ आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। तो फिर तो ये है आपका 5.1 वाला DVD सिस्टम, ठीक है। इसको मैंने पहले ऑन कर लेता हूँ, ऑन किया, रिमोट भी यहाँ पर है, ठीक है। रिमोट इस्तेमाल बाद में करता हूँ, बाद में करूँगा, तो पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे चले जाइए, यहाँ पे जो इसका मॉडल नंबर है, जूम करके दिखा देता हूँ आपको, ओके। ये जो इसका मॉडल नंबर है वो है, देख लीजिए, DVD होम थिएटर सिस्टम DAV TZ 145। रात का समय में टाइम में मैं वीडियो कर रहा हूँ, तो इसीलिए थोड़ा जूमिंग में प्रॉब्लम आ रहा है, दिक्कत आ रहा है, तो थोड़ा फिलहाल से देख लेना। तो इसके साथ आपको मिल जाता है 5 सराउंड स्पीकर। तो यहाँ पर है आपका ये 2-3 जो है, ये जो कौन कौन सी काम में आता है, क्या आता है, मैं सब आप लोगों के साथ शेयर कर ले लेता हूँ, ठीक है। तो पहले चलिए इसका जो है दिखा देता हूँ पीछे से, देख लीजिए क्या क्या लिखा हुआ है इसमें। यह आपका फ्रंट का लेफ्ट साइड का छोटा स्पीकर जो आता है, सराउंड स्पीकर जो आता है आपका राइट का जो मेन स्पीकर है, आता है 8 ohms में, सीरियल नंबर सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके बाजू में ये जो है, ये आपका सराउंड है, ठीक है। सराउंड आर राइट वाला जो सराउंड आता है वो आता है, वो भी आपके 8 ohms में आता है, सीरियल नंबर दिया हुआ है और मॉडल नंबर दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके पीछे 2-3 रखा हुआ है दादा। पहली बार होम थिएटर सिस्टम मेरे पास आया था, तो कैसे रखूँ समझ में नहीं आ रहा था, तो इस तरह से रख लिया, ठीक है। कोई भूल कोई दिक्कत हो तो सर जी मुझे माफ़ कर देना। तो ये है आपका, देखिए फ्रंट लेफ्ट साइड, माने आपका लेफ्ट साइड का फ्रंट का जो मेन स्पीकर है वो है ये, ठीक है। ये भी आता है आपका 8 ohms में, ठीक है। उसके बाद में उसके बीच में क्या रखा है देख लेता हूँ। उसमें बीच में रखा है सराउंड एल, माने सराउंड राइट वाला तो ये था, तो ये आपका सराउंड लेफ्ट वाला, ये भी आपका 8 ohms के अंदर आता है, ठीक है। और ये वाला क्या है देख लेते हैं, ये है आपका सेंटर का, ठीक है। सेंटर का स्पीकर है जो आपका 8 ohms में आता है, ठीक है। सबके ऊपर देख लीजिए ब्रांडिंग किया हुआ है सोनी का, ठीक है। तो फिर चलिए इसका नीचे में आ जाता है आपका 6 इंची के अंदर एक साबो पर, ठीक है, जो सोनी का ब्रांडिंग दिया हुआ है। और ये है आपका जहाँ से इसका ईयर पास होता है वो, और ये जो सिस्टम है ये आता है आपका 360 वाट में, ठीक है, 360 वाट RMS में। तो चलिए इसका साइड से आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। ये रहा इसका साइड वाला पोर्शन जो है आपका 6 इंची साबोवर के अंदर, ठीक है। तो उसके साइड में मैं बैक साइड में दिखा देता हूँ आपको दादा। बैक साइड में मैं सब कुछ कनेक्शन देके रखा हूँ, थोड़ा दिक्कत होगा फिर भी मैं दिखा दे देता हूँ। ये रहा आपका, ठीक है, देख लीजिए जूमिंग करके, ये रहा आपका स्पीकर सेक्शन, फ्रंट साइड लेफ्ट राइट जो है ये दो है, ठीक है। उसके बाजू में फोकस छोड़ रहा है, नाइट में वीडियो कर रहा हूँ इसमें दिक्कत आ रहा है। उसका साइड में आपको आ रहा है सराउंड, ठीक है, सराउंड का लेफ्ट राइट का दो देख लीजिए अच्छी तरह से, ठीक है, सराउंड का लेफ्ट राइट दो। और उसके बाद बाजू में आता है आपका सेंट्रल का, ठीक है। और उसके बाद में आपको आता है सबवूफर का ऑप्शन, ठीक है, जो ये वाला सबवूफर इसमें चलेगा।
ठीक है। उसके बाजू में आपको क्या मिलता है वो भी दिखा देता हूँ। उसके बाजू में दादा देख लीजिए मॉडल जो सीरियल ब्रांडिंग है वो यहाँ पर दिया हुआ है, सोनी का मॉडल नंबर HDP TZ145। ठीक है, उसके नीचे में ले आया है DVD रिसीवर, तो ये आपको वाटेज जो जो जितनी वाटेज का था वो दिया हुआ है, मेड इन चाइना ब्रांड का है। ठीक है, चाइना मेड इन चाइना है ये। और उसके बाजू में आपको मिल जाता है HDMI पोर्ट। ठीक है, ये जो सिस्टम है फुल वर्किंग कंडीशन में है। ठीक है, ये है आपका HDMI आउट पोर्ट, और इसके बाजू में आपको मिल जाता है वीडियो आउटपुट। ठीक है, तो आप जिस लोगों को अभी वीडियो देखना पसंद है DVD के अंदर, तो वो सब लोग वीडियो भी देख सकेंगे। ठीक है, ये इसका वीडियो आउटपुट का ऑप्शन दिया हुआ है। उसके बाजू में दिया है TV केबिल, तो इससे आप क्या करेंगे सर जी, आपको यहाँ पे लेटेस्ट डिजाइन जो आता है ब्लूटूथ फ़ोन हेडफोन सॉरी ब्लूटूथ फ़ोन, ठीक है, उसके साथ TV वगैरह आपका चला जाए, कंप्यूटर लैपटॉप फ़ोन से ब्लूटूथ हर किसी से इस मोड पे आप चला सकेंगे। यह इसका इनपुट, ठीक है, यहाँ से आप इनपुट दोगे अब बजेगा। DVD से नहीं सुनना पसंद है आपको तो फिर आप क्या करेंगे, कॉर्ड लगाएंगे ब्लूटूथ लगाएंगे उसमें भी चलेगा। ठीक है, ये बहुत बढ़िया सिस्टम दिया हुआ है, जो DVD के बगैर भी ये सिस्टम चलेगा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के माध्यम से। तो उसके बाजू में दर्जी ये दिया हुआ है इसका एंटेना। ठीक है, एंटेना के बाजू में दादा ये दिया हुआ है, एक लिखा हुआ है, ठीक है जी, सर्विस स्टेशन के लिए जो जिस जिसको पसंद हो दादा पढ़ लेना। तो चलिए इसको मैं घुमा देता हूँ, इसको मैं घुमा देता हूँ। ठीक है दादा, तो फिर चलिए पहले मैं इसका एक DVD चला के आप लोगों को चेक करवा देता हूँ। तो DVD मैं चेक करवा देता हूँ, ये लता जी का कैसेट, लता जी का डुएट एक रिमिक्स कैसेट है दादा। ये मैं आपको चला के दिखा दूंगा, लेकिन ज़्यादातर आवाज़ नहीं सुना पाऊँगा क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है इसीलिए। ठीक है, तो चलिए मैं स्विच से काम कर लेता हूँ, उसका रिमोट है, रिमोट से भी काम होता है, लेकिन मैं स्विच से आपको दिखा देता हूँ, रिमोट से भी दिखा दूंगा बाद में। आपको जो जो देखना है व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा दादा, मैं भिजवा दूंगा। ठीक है, थोड़ा टाइम लगता है वीडियो सेंड करने में, लेकिन दादा मैं भिजवा देता हूँ। और प्राइस वगैरह जो भी दादा आपको जानना है, प्राइस जानना हो या फिर आपका क्या कॉस्ट है, डिलीवरी चार्जेस कितना आएगा दादा, सब मुझे कॉल कीजिएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, लोकेशन बताइएगा, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए ओपन करते हैं। ओपन हो गया तो लता जी का एक डिश मैं डाल देता हूँ। ठीक है, तो फिर क्लोज कर देता हूँ। तो देखिए रीड ले रहा है, तो मैं अभी रिमोट का इस्तेमाल करता हूँ। चलिए मैं यासी दिखा देता हूँ। ठीक है, प्ले हो गया। ठीक है दादा, साउंड चल रहा है लेकिन ज़्यादातर नहीं सुना पाऊँगा, दिक्कत आ जाता है, यूट्यूब पे कॉपीराइट दे देता है। ठीक है दादा, डॉल्बी डिजिटल है दादी, हर एक ऑप्शन पे आप एक काम करवा सकते हो। तो एक मिनट सर जी, मैं आपको डॉल्बी डिजिटल सब कुछ फंक्शन आपको चेक करवा देता हूँ। ठीक है, तो चलिए दादा मैं यहाँ पे ज़्यादा तो साउंड नहीं दे पाऊँगा दादा, कॉपीराइट आ जाएगा। तो इसका सराउंड जो हर एक मूड काम करता है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इसका ऑडियो इन जो आप कॉर्ड से बजा सकते हो, TV का बिल मीट, तब बड़े फंक्शन जो चेंज कर करके आप चला सकते हो, सभी आपको दिखा दूंगा। तो पहले चलिए इसका इक्वलाइजर मोड जो है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, इक्वलाइजर मोड कहाँ पे है इसका, ये सराउंड मोड। ठीक है, ये सराउंड मोड आप चेंज करवा दीजिएगा। देखिए 2 चैनल स्टूडियो आ गया, मल्टी फीचर्स आ गया, स्टैंडर्ड मोड आ गया, डॉल्बी डिजिटल मोड आ गया। ठीक है दादा, हर एक मूड से बजा सकते हो, बहुत बढ़िया साउंड है। ठीक है, थोड़ा ही सुनवा पाऊंगा दादा, ज़्यादातर नहीं सुनवा पाऊंगा, कॉपीराइट आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है दादा, तो मैं DVD निकाल देता हूँ। ठीक है, पहले मैं DVD का चेक करवा देता हूँ, और इसका फंक्शन जो है फंक्शन भी आप लोगों के साथ में शेयर कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया DVD का, इधर कर देता हूँ। और जो फंक्शन है ये फंक्शन देख लीजिए, इसका देखिए इसका FM फंक्शन है, साउंड सुन लीजिए। ठीक है, FM का साउंड आ रहा है। ठीक
ठीक है। तो उसके बाद में देखिए एपीएम के बाद फंक्शन किधर गया, हाँ यूएसबी फंक्शन है, यूएसबी भी रनिंग है इसका, टीवी केबल जो आप एक्स्ट्रा मोबाइल कॉर्ड से किसी से बता सकते हैं, फुल सिस्टम सीडी डीवीडी फुल सिस्टम वर्किंग में है दादा, इससे ऑन ऑफ कर सकते हो या फिर आप पैनल से भी हर काम कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, एक छोटा सा जो सिस्टम बार बार मुझे कॉल आ रहा था बोल रहा था दादा डीवीडी सिस्टम चाहिए, साउंड सिस्टम नहीं चाहिए, 5.0 डॉल्बी वाला दिखा दीजिए, थोड़ा कोशिश करिए मिल पाएगा, तो दादा तो मिल गया है, तो उसका वीडियो मैं आप लोगों को डाल दिया दादा, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला बड़ा बड़ा सिस्टम जो आने वाला है उसके साथ आप लोगों की मुलाकात होगा। आज के लिए इतना ही, आपका भाई सुदर्शन, ओके, जय श्री कृष्णा, बाय बाय।